हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। देखिए, आज हम क्लास फोर्थ में वीडियो नंबर 47 करेंगे। और 47th जो हमारा वीडियो है वो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड, तो हम इसमें आज मल्टीप्लिकेशन करने सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ मल्टीप्लिकेशन के क्या होते हैं। कि कोई भी जो डिजिट है, अगर आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही डिजिट आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आ जाएगा। यदि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना भी बड़ा नंबर हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो याद रखना, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर वापस आ जाएगा, जबकि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी वापस 0 ही आएगा। अब एक बात हम ये कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में चाहे ये नंबर आगे ये नंबर पीछे, अगर आप इस नंबर को आगे इसको पीछे कर देंगे तो भी कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप ये नंबर आगे रखें चाहे आप ये नंबर आगे रखें, ठीक है। इससे कोई भी जो है ना दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी वही चीज़ है कि चाहे आप ये नंबर आगे रखें ये नंबर पीछे रखें, दोनों जगह से बराबर रिजल्ट्स आएंगे, क्लियर है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब देखिए, एक सिंपल आपको एग्जांपल करके बताती हूँ मैं मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं सिंगल डिजिट से। सबसे पहले बेटा ये याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है, आपको टेबल्स लर्न करनी चाहिए। फोर्थ क्लास में कम से कम आपको 12 तक तो टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए, वैसे आपको 15 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन है ना, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है 256 को। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, यानी ये 4 की टेबल बोलिए आप 6 टाइम्स। तो 4 6 का क्या होता है 24, तो 24 को बेटा आप कैसे लिखेंगे, 24 का 4 तो आप नीचे लिख देंगे और 2 कहाँ चले जाएगा, कैरी में चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, ये वाला आप कर चुके हैं, इसे आप अभी करना नहीं है, अब आपके टेंस की बारी है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, यानी 4 की टेबल बोलेंगे 5 टाइम्स। तो 4 5 का कितना होता है 20, 20 के साथ में 2 यहाँ पर और है कैरी का, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 आप यहाँ लिखेंगे और फिर से 2 कहाँ आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा। अब आप देखिए, वंस और टेंस प्लेस के तो आप कर चुके हैं मल्टीप्लाई, अब बचा है आपका 4, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 2 से। तो 4 टू ज़ा 8, 8 और 2 कितना होता है बेटा 10, 8 और 2 कितना होता है 10, और इस बार आप 10 का 10 यहाँ लिख देंगे क्योंकि 0 करके आगे कैरी देने के लिए कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है, क्लियर है, बात समझ में आई। एक और आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20, 20 और 1 21, 21 का 1 कैरी 2। फिर देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 कितना होता है 10 और 2 12, 12 का 2 लिखेंगे कैरी 1। फिर देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 6, तो इस तरीके से जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस की उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।